मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे वर्मा साहब की जो किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स और जो चैप्टर फ्रिक्शन का है उसका एक बेहतरीन प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन मैं आपको उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम जरूर से अटेम्प्ट ले लीजिए पहले, फिर इसके बाद आप हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। अब प्रॉब्लम नंबर मैं आपको बता देता हूँ, फ्रिक्शन का है और ये प्रॉब्लम नंबर 29th है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को आप वीडियो को रोकिए और एक बार अच्छे से पहले आप उसे काफी बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर आप अटेम्प्ट लीजिए। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कई सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए बना के रखे हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा चैनल है आइंस्टाइन क्लासेस का, उस पर आप जाइए और साथ में आप सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी यूजफुल हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन को लेकर के क्लास 11th, क्लास 12th, नीट की प्रिपरेशन को लेकर के क्लास 10th के वीडियोज हैं, जैसे आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप देखिए और दूसरों को भी उसके लिए रिकमेंड कीजिए। चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपके पास जो भी नए नए वीडियो हम लोग अपलोड करें उसे आप देखते रहिए, राइट। फिर इसके बाद मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई कि दो हमने जो है मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए डेवलप करा हुआ है, कि रोडो वीडियो सॉल्यूशन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है और दूसरा आपका यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से है, तो जरूर से उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने जो है मोबाइल पे, ताकि आप उसका भी यूज कर सकें अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और इसको हमने बेसिकली अगेंस्ट वर्टिकल वॉल एक फोर्स अप्लाई कर रखा है जिसकी वैल्यू 40 N है और μs 0.5 है। μs 0.5 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल। कहा गया कि एक और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई गई है 15 N की, जो कि ब्लॉक पे अप्लाई करेगी इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। तो वॉल के पैरेलल एक और 15 N का फोर्स लगाया गया है। तो कहा गया प्रॉब्लम कि क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, और यदि मूव करेगा तो किस डायरेक्शन मूव करेगा, और यहां पे ये कहा गया कि यदि नहीं मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने एक ब्लॉक ले रखा है, ऑब्वियस बात है ब्लॉक है, आपको पता ही है कि इसका क्या यूज करते हैं, राइट। इससे खेलते हैं, काफी अच्छा गेम है ये। अब ब्लॉक को क्या किया गया, पहले आप ये समझिए, ये वॉल है, तो वॉल है, इस वॉल के अगेंस्ट ऐसे करके इसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ 40 N ऐसे फोर्स एक लगाई गई है और साथ में 15 N की फोर्स लगाई गई है। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये 15 N की फोर्स लगाई गई है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है पैरेलल टू द वॉल और ये 40 N का यूज करा जा रहा है। इस ब्लॉक को इस तरीके से वॉल के अगेंस्ट अप्लाई किया गया है ठेलने के लिए, पुशिंग फोर्स है, राइट। तो ये कहा गया कि भाई कि ये ब्लॉक जो है क्या स्लाइड गई, देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने अप्लाई कर रखा है वो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यदि देखूं अभी मूव कर रहा है। मतलब ये तो डिपेंड करता है इस बात पे कि मैंने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है, जो आपका ये वाला 40 N का फोर्स और 15 N का फोर्स, वो आखिर किस तरीके से काम करेगा, कि यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक बात है, यदि इस ब्लॉक को मूव करना है या नहीं करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस ब्लॉक एंड वॉल के बीच में, यदि उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक यहीं पे रहेगा। यदि उससे ज्यादा आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली और डेफिनेटली ये ब्लॉक जो है अलोंग द वॉल मूव करेगा। कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे मूव करती है नहीं करती है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में, मतलब वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, यही करेंगे। रेस्ट में रखते हुए हम लोग करेंगे क्या कि भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यदि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम आ जाती है तो हमारा एजम्पशन सही होता है, अदरवाइज वो एजम्पशन गलत होता है। यदि गलत है तो डेफिनेटली ब्लॉक मूव कर रही है, तो यही प्रोसीजर रहेगा। समझ रहे हैं बात मेरी। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि भाई कि ये एज्यूम कर लेंगे ये ब्लॉक जो वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करते हुए इस ब्लॉक और इस वॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे। ऑब्वियस बात है उसका कैसा नेचर होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए जंक्शन से, और यदि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग स्टैटिक से डेफिनेटली वैल्यू कम आनी चाहिए, तभी हमारा जंक्शन सही होगा, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यही जूम करते हुए इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। अब इसके लिए इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी क्या बनेगी, तो एफबीडी देखिए यहाँ पे, एक तो इधर से जो आपका 40 N का फोर्स है, एक 15 N का फोर्स जो इधर से लगाया गया है, एक नीचे आपका इसका वेट 20 N,
राइट, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की, इधर जो आपका 20 न्यूटन है, इधर से 15 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इधर हो गया, और नेट फोर्स इधर कितनी हो जाएगी, बेसिकली 25 न्यूटन। तो इसकी टेंडेंसी इस ओर जाने की है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ठीक अपोजिट लगेगा, और चूंकि रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 न्यूटन होगी। यदि रेस्ट में है तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 न्यूटन होगी। ये 25 न्यूटन डेफिनेटली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एस इनटू आर। चूंकि इधर से 40 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर से आपका नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कौन, वॉल लगा रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 40 न्यूटन। और एफ एस कितना होगा, म्यू एस इंटू आर से म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू 40, तो इट विल कम आउट 20 न्यूटन। एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन, जबकि हमारे एजम्पशन के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है 25 न्यूटन। इसका मतलब एजम्पशन गलत है, इसका मतलब डेफिनेटली ब्लॉक मूव कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, समझिए बात को। मैंने वो सारा चीज बोर्ड पे लिख रखा है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात है, यदि मैं इसकी एफबीडी बनाता हूं, तो देखिए इधर से कितना फोर्स 40 न्यूटन, नीचे कितना 20 न्यूटन, इधर से कितना 15 न्यूटन। चूंकि ये वाला ये ब्लॉक इसके अलोंग स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, तो किसके अलोंग किस डायरेक्शन में टेंडेंसी रखेगा मूव करने की, तो ये जो इसका नीचे वेट 20 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस ओर है 25 न्यूटन। देखिए 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन कितने एंगल पे, थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा विल कम आउट 15/20, दैट मींस 37 डिग्री। इसका मतलब इस ब्लॉक की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, इस 20 न्यूटन के साथ कितना लगा के, वर्टिकल के साथ कितना 37 डिग्री पे, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री पे। और चूंकि टेंडेंसी है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, तो टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी है, तो जिस और टेंडेंसी होती है फ्रिक्शन फोर्स उसके ठीक अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगेगा बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट, इस डायरेक्शन के ये 25 न्यूटन देखा इसके बिल्कुल अपोजिट, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सिंपली कितनी होगी, 25 न्यूटन होगी। बट ये नेचर कैसा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलती है, म्यू एस इनटू आर से। आर कितना हो गया, ये आर इधर से मैं 40 न्यूटन लगा रहा हूं, वॉल जो लगा रहा है इधर आर लगा रहा है, तो आर विल बी सिंपली कितना 40 न्यूटन, और म्यू एस इनटू आर विल बी सिंपली 20 न्यूटन। अब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने एजम्पशन से निकाला 25 न्यूटन है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी हालात में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब कहेंगे कि ब्लॉक क्या कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट में नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ब्लॉक डेफिनेटली यहाँ पे मूव करेगा, और डायरेक्शन मूव करने की ये होगी, इस ओर होगी डायरेक्शन मूव करने की एट एन एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि 25 न्यूटन इधर ही है, तो इसी ये 25 न्यूटन जो है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, तो ऐसे देखिए आप ऐसे करके लगा दिया, अब देखिए ऐसे जा रहा होगा 25 न्यूटन, और फोर्स की वजह से नेट फोर्स जो 25 न्यूटन इधर लगी है, कितने एंगल पे, तो एंगल कहेंगे 37 डिग्री विद द वर्टिकल या 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग कहेंगे डेफिनेटली ब्लॉक यहाँ पे ये मूव करेगा, और एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन होगा इसका मूव करने का। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसीड करेंगे, इस तरीके से हम लोग पूरा डिस्कशन कराया हमने, और वही सब कुछ मैंने बोर्ड पर लगा रखा है। देखिए ये वॉल मैंने ले लिया है 40 न्यूटन का एक फोर्स, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया है। यदि मैं एफबीडी बनाता हूं, तो ये वॉल लगा रहा है आर, ये 40, नीचे वेट 20 न्यूटन। अब सारे फोर्सेस को मैं दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि 2D फिगर है, तो कायदे से दिखाया जाए तो एक तो इसके ऊपर जो है आपका 15 न्यूटन ऐसे लग रहा होगा, तो 15 न्यूटन इधर भी लग गया जी, और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर 15 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है 25 न्यूटन उसके ठीक अपोजिट, राइट। तो ये पूरा एफबीडी मैंने, पूरा कंप्लीट एफबीडी मैं बनाया नहीं हूं, मैंने पार्शियल बना के दिखाया आपको, लेकिन मैं पूरा इसके थ्रू तो बता ही दिया कि भाई कि इस प्रॉब्लम को डिमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली मैंने करके आपको दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसीड करेंगे। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें डेफिनेटली समझ में आया होगा, यदि सारी बातें नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और गहराई में जाकर के सोचिए, इन डेप्थ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है इस प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो पूरे ध्यान से प्रॉब्लम को आप समझने का प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है प्रॉब्लम को आपको समझाने का प्रैक्टिकल वे में, राइट। तो डेफिनेटली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप जरूर से वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज्यादा बता सकते हैं, ताकि हमारे काम से दूसरों को बेनिफिट होए, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे।
एंड हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट।